नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो लेक्चर में। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है वो देखिए इस तरह का होता है कुछ। ये हमारा टेम्परेचर और ये हमारी रेजिस्टिविटी, ये हमारी है ये हमारी रेजिस्टिविटी। तो ये जब नॉर्मल होता है, नॉर्मल मटेरियल के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। लेकिन क्या कि देर आर सर्टेन मटेरियल फॉर विच द रेजिस्टिविटी सडनली बिकम जीरो बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर। लेकिन कुछ ऐसे जो हमारे पास मटेरियल होते हैं जिनके लिए जो रेजिस्टिविटी है हमारी वो एक टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर पर वो अचानक जीरो हो जाती है। तो देखिए क्या होता है, ये हमारी रेजिस्टिविटी है और ये हमारा टेम्परेचर है। जब हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के मध्य जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ मटेरियल के लिए, सर्टेन मटेरियल के लिए, तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो देखिए वो अचानक जीरो हो जाती है। और जिस टेम्परेचर पे ये घटना घटित होती है उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो उसको हम TC से डिनोट करते हैं। ये हमारा TC है, क्रिटिकल टेम्परेचर। TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये होता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कि जब हम सर्टेन मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के मध्य जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो सडनली जीरो हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पर ये फिनोमिना घटित होता है उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको समझ में आएगा कि किस तरह हम जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है उसको डिफाइन करते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।